क्या आप जानते हैं टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस रश्मि देसाई की लव लाइफ के बारे में? चलिए आपको बताते हैं। रश्मि देसाई अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बेहद खुश है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा ही परेशानियां रही है। एक्ट्रेस को अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला है। रश्मि देसाई टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक है। उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर एक अलग पहचान बनाई है। काफ़ी लंबे वक्त से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रश्मि देसाई एक्टिव है। रश्मि ने अपने करियर की शुरुआत साल 2006 में रावण से सीरियल से की थी। हालांकि रश्मि देसाई को सबसे ज्यादा पहचान मिली कलर्स चैनल के शो उत्तरण में तपस्या की भूमिका निभाकर। रश्मि देसाई प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी खुश रही है, लेकिन पर्सनल लाइफ में उनके हमेशा ही उथल पुथल मची रही। रश्मि देसाई ने हमेशा ही अपनी लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरी है। सबसे पहले रश्मि की लाइफ में नंदिश संधु की एंट्री हुई थी। दरअसल उत्तरण के सेट पर दोनों मिले, फिर दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। साल 2012 में रश्मि देसाई ने नंदिश संधु से शादी कर ली। हालांकि इनकी शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और 4 साल बाद ही तलाक हो गया। उसके बाद लक्ष्य लालवानी के साथ भी रश्मि का नाम जुड़ा। लक्ष्य से रश्मि उम्र में 10 साल बड़ी थी। ऐसे में एक्ट्रेस की मां को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। फिर लक्ष्य और रश्मि का रिश्ता बुरे नोट पर खत्म हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल से दिल तक शो के दौरान रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों के बीच शानदार बॉन्डिंग देखने को मिलती थी। हालांकि किसी वजह से इनका रिश्ता भी नहीं चल पाया। उसके बाद रश्मि देसाई का नाम अरहान खान के साथ जुड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरहान और रश्मि की शादी प्लानिंग भी कर रहे थे, लेकिन सलमान खान ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसके बाद रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे में रश्मि ने अरहान से अपने रिश्ते को खत्म करना ही ठीक समझा।